आज काशी की धरती पर सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संत सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं अग्रिम रूप से सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी, लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहां पे सदगुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहां पे यह संगत सदगुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहां पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगतगुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगतगुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय मिल रहा है। 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत की गारंटी मिल रही है और जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही यहां पे जो भी सांपला जी कह रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है।